नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। उन्नाव से दर्शन कर कोरथा गांव लौट रहे थे श्रद्धालु। साढ़ कस्बे के गौशाला के पास ये हादसा हुआ है। तो नाव से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु और यह हादसा हुआ है। मृतक के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यहां पर बड़ा हादसा हो गया है। 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, करीब 27 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, दर्शन करके सभी श्रद्धालु लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। 24 लोगों की इसमें मौत की खबर है और 27 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उन्नाव से दर्शन कर कोरथा गांव श्रद्धालु लौट रहे थे, तभी यह बड़ा हादसा वहां पर हो गया। मृतक के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान वहां पर कर दिया गया है। और खबर यह मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया है, दुख जाहिर किया है। 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग इसमें घायल हुए हैं।